नगर नावागढ़ से। छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भद्रा में आज दिनांक 20 जनवरी 2022 को नया सरपंच चुने जाने के लिए चुनाव होना था, लेकिन रविंद्र सिदार के विपक्ष में कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं होने के कारण चुनाव का कार्यक्रम स्थगित हुआ। आपको बता दें कि ग्राम भद्रा के सभी ग्रामीण पूर्व सरपंच धन सिंह जगत के कार्यों से असंतुष्ट थे, परेशान थे, साथ ही पंचगण भी परेशान थे। लिहाजा उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें पूर्व सरपंच धन सिंह जगत की हार हो गई थी। आज सरपंच के चुनाव के लिए भद्रा में चुनाव होना था, लेकिन रविंद्र सिरदार को पंचों द्वारा निर्विरोध चुने लिए जाने के कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई। रविंद्र सिरदार के निर्विरोध सरपंच चुन लिए जाने से ग्रामीणों में हर्षोल्लास का माहौल है। पंचगण और ग्रामीणों की उपस्थिति में रविंद्र सिरदार को तिलक और गुलाल लगाकर उनके जीत के लिए बधाई दी। साथ ही नव निर्वाचित सरपंच रविंद्र सरदार ने गांव वालों को शुक्रिया कहा। हमारे गांव वाले पहले जो सरपंच उसको विश्वास करके उसको हटा दिया गया है, इसलिए मैं नामांकन भरा हूं सरपंच के लिए। इसके लिए गांव के लिए मेरा सहयोग किया गया है, इसलिए मैं निर्विरोध हो गया हूं। गांव वाले की तरफ से मेरे को निर्विरोध बनाया गया। गांव वाले को बधाई देना चाहता हूं। गांव आता हूं, मेरा रविंद्र सिदार, ग्राम भद्रा। ठीक है, विधायक प्रतिनिधि पामवड़, मेरा गृह निवास भद्रा है और अविश्वास के बाद श्री रविंद्र कुमार सिदार के द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें समस्त ग्रामवासी के द्वारा इसे निर्विरोध चुना गया है। कोई विपक्ष में किसी प्रकार से नहीं है, तो मैं समस्त ग्रामवासी भद्रा को मैं नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने निर्विरोध पंचायत दिए हैं, सरपंच दिए हैं। जी, इससे आज से पहले हमारे धन सिंह जगत जी माने सरपंच रहे हैं, जिसके प्रति जितने भी पंचगण हैं नाखुश थे, है ना। उसके बाद जो कि अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, और आज जो कि हमारे भद्रा में 20 तारीख चुनाव है सरपंच का, और निर्विरोध के रूप में ये हमारे रविंद्र कुमार जी हैं सिदार, इनको माने सरपंच बनाया गया है, समझ लीजिए, है ना। अब सभी वार्ड के लोग, ग्रामवासी लोग, ठीक है सर। क्या नाम है? कुमार पटेल, वार्ड क्रमांक 5 से 5 पद पे निर्वाचित।